स्टाइलिश या फैशनेबल? फैशनेबल कोई भी बंदा बाजार से फैशनेबल कपड़े खरीद के पहन के बन सकता है फैशनेबल, लेकिन स्टाइल जो आपके है ना वो डीएनए में होता है, वो आपकी करेज को, वो आपकी नेचुरल जो आपकी समझ लो कि चीजें होती है ना, जो आपके अंदर नेचुरल क्वालिटीज होती है वो उनको डिफाइन करता है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने स्टाइलिश होने पर तवज्जो दो। फैशनेबल तो किसी भी, आप उठाओ बंदे को, उसको अच्छे से कपड़े पहनाओ और वो फैशनेबल हो जाएगा। स्टाइल कब आएगा? स्टाइल आएगा आपके एटीट्यूड से, आपकी स्पीकिंग से, आपके मतलब एक रीजनेबल बिहेवियर से लोगों की। मतलब स्टाइल में आपको एक सिंपल समरी में बताऊं ना कि स्टाइल ये कि कोई भी बंदा आपकी बात सुन के और आपसे जो है ना वो एकदम से इंप्रेस हो जाए, बस दिस इज व्हाट वी कॉल स्टाइल। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे, बड़े सूटेड बूटेड, बड़े आला किस्म के फैशनेबल, लेकिन जब वो अपनी जबान खोलते हैं खलास गॉन ब्रो, आपको खड़ा होना भी वहां पे अच्छा नहीं लगता, बोलता है यार अब मैं क्या इस बंदे से क्या बात करूं मैं। सो आपने यूथ मेरी जो सुनने वाली है, आपने अपनी पर्सनैलिटी पर जो है ना, आपने अपने स्टाइल पर ध्यान देना है, आपने अपने फैशनेबल होने पे ध्यान नहीं देना। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल देखते हैं कि भाई बड़े अच्छे अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी जगहों से जा रहे हैं, ब्रांड्स ले रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, अमीर दिखने के लिए ब्रांड ले रहे हैं बस। सो दिस ऑल बुलशिट, डोंट गो बियाइंड दीज थिंग्स यू नो। आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करो, अपनी टॉकिंग पे, अपनी करेज पे, अपना जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है उसको आप बिल्ड करो, देन यू विल गेट सक्सेस। लेकिन अगर आप ये इस रबिश के पीछे जाओगे ना, फैशनेबल, अमीर दिखने के पीछे, मैं एक और टर्म भी बोलता हूँ फैशनेबल को, कि अमीर दिखने की कोशिश करते हैं लोग, अमीर होते नहीं है लेकिन अमीर दिखने की कोशिश करते हैं। सो उसमें वो स्क्रू करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को भी, स्क्रू करते हैं, बोलते हैं कव्वा चला हंस की चाल अपनी भूल गया। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करो, कपड़े आपकी कोई मसला नहीं। आपने कभी देखा है कि जो उसका ये बिल गेट्स जो है, कोई ब्रांडेड किसी कपड़े की उसने वो की हो? मार्क जकरबर्ग आधी टी शर्ट में घूमता रहता है, एलन मॉस्क का शूटिंग वूटिंग करता है क्योंकि उसकी मीटिंग शीटिंग होती है, लेकिन नॉर्मली जब अपनी फैक्ट्री में होता है वो भी बनियान टी शर्ट में पहन के घूम रहा होता है। लेकिन पर्सनैलिटी ऐसी बिल्ड की है उन लोगों ने, अपना स्टाइल ऐसा बिल्ड किया है कि दे आर फेमस, लाइक वो पैसा भी बना रहे हैं और लोग उनसे इंप्रेस होते हैं। सो अपनी पर्सनैलिटी, अपने स्टाइल पर तवज्जो दो, फैशन को फेंको भाड़ में। दुआओं में याद रखना, बात समझ आ गई तो शेयर करना और भी अपनी की तरह यूथ से, ताकि वो इस फैशन वाले रबिश को छोड़ के अपने स्टाइल पे थोड़ा सा फोकस करें। स्टाइलिंग में क्या होता है? स्टाइलिंग में ये होता है कि आपने कॉन्फिडेंस अपना ग्रो करना है, आपने ऐसे जाना है कि लाइक कोई शेर का बच्चा आ रहा है चलता हुआ, जब आप बात करो तो लोग सुने ऐसे ऐसे करके आपको सुने कि यार ये बात जो बंदा बोल रहा है ना, ये बात भाई बाकी इसके अंदर वजन है। ये चीज आपने बिल्ड करनी है, अगर आपने ये बिल्ड कर ली तो बस ठीक है, यू आर थ्रू, यू आर गॉन, आपको किसी और चीज करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं जाता, दुआओं में याद रखें, अस्सलाम वालेकुम।